नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है ज्योति राजगुण ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और गाइस, अभी शाम का वक्त हो रहा है और अभी हम लोग आए हैं लोग अपने छत पे। ये देखिए, अभी ज्योति बाबू का पुराना वाला झूला खोल के और नया वाला झूला लगा रही है। यहाँ पे एक साड़ी लेके आई है पुराना, इसी से बाबू परेशान कर रही थी ना झूला के लिए। क्या बेटा? पुराना वाला साड़ी है, उसी से फिर बाबू के लिए झूला बना रही है। और गाइज, आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि हम लोग ये बहुत जल्द घर खाली करने वाले हैं। क्या हुआ बेटा? घर खाली होगा ना अब, क्योंकि गाइज ये घर बिक गया है और हम लोगों को परमिशन भी मिल गया है कि आप लोग जल्दी खाली कर दीजिए। तो देखिए अब क्या होता है आगे, आप लोगों को सब कुछ मालूम चलेगा। अभी फिलहाल जा रहे हैं लोग बाबू के लिए झूला लगाने, ताकि जितना दिन हम लोग हैं उतना ही दिन में थोड़ा सा खुशी मिले हम लोग। पापा यहाँ पे चुप्पी था। क्या बेटा? पापा यहाँ पे चुप्पी था। हाँ, अभी चलते हैं लोग हम और ज्योति मिल के बाबू के लिए झूला बनाएंगे। झूला झूलोगे ना बेटा? गाइज, हमारे परी को झूला झूलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बार बार बोलते रहती है पापा झूला झूले। उसके लिए बनाए थे लोग, बट फट गया था ये पुराना वाला झूला। तो अभी ज्योति नया झूला बना रही है यहाँ पे। देखिए बेटा, आपका झूला बन के तैयार हो गया। और देखिए कितना जल्दी झूला बन गया। चलिए खेलिए। ये देखिए कितना खुश है परी। हाँ, बैठ गए बेटा, खेलिए। ये देखिए दोस्तों, कितना जल्दी बाबू का झूला तैयार भी हो गया और परी इस पे झूला झूलने भी लगी। और गाइस, जब से मालूम चला है कि हम लोगों को ये घर खाली करना है, हम लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। ये देखिए ज्योति को, ज्योति एकदम बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई है दोस्तों। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग घर में, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि ये रोज़ कपड़ा, ये ऐसी औरत थी कि रोज़ कपड़ा धोती थी। आज 3-4 दिन हो गए कपड़ा भी धो। हम लोग बाबू के लिए जाके बैग खरीदे थे लोग कि परी जाएगी बगल के स्कूल में पढ़ने। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। अभी जा रहा हूँ गैस खरवाने, हमारा सिलेंडर का गैस खत्म हो गया है, निकाल के रखे थे, जा रहे हैं मार्केट से गैस भरवा के आएंगे। और गाइस, अभी गैस भरवा के आ गए थे, ज्योति चली गई खाना बनाने और हमारे परी यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। ये देखिए परी को, इस परी को देखिए अभी घर बना रही है। घर बना रहे बेटा? सब बनाओ, आप बनाओ घर, उसी में रहा जाएगा। क्यों बेटा? देखिए कॉपी मंगवा दिए थे लोग, बेचारी बैठ के आराम से पढ़ रही है। अच्छा घर है बेटा, वैसे ना रंगो, अच्छे से रंगिए। हेलो गाइस, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गाइस, मैं कल रात को सो नहीं पाया, 3 बज रहे हैं, 3:07 हो रहे हैं, रात भर सो नहीं पाया। और अभी सोचा कि आप लोगों से कुछ बात करूं, भले ही आप लोग सोए होंगे बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप लोगों से मैं दिल खोल के अपनी बातें करूं। गाइस, ये रूम हम लोगों को इमिडिएटली खाली करना पड़ेगा, आज या कल खाली करना पड़ेगा। और दुख इस बात की नहीं है कि खाली करना पड़ेगा, दुख इस बात की है कि खाली कर रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं ज्योति इस बात को लेकर बहुत दुखी है। और उसको दुखी देख के दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ कि अपने बीवी बच्चों के लिए एक घर तक नहीं दिला सकता जिसमें वो लोग सुकून से रहे, उन लोगों को लगे कि हाँ मुझे कभी खाली नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा अपना घर है। जानते हैं दोस्तों, जब आदमी कहीं रहने लगता है ना, चाहे रेंट का हो या फिर अपना हो, तो वो कुछ दिनों के लिए भूल जाता है मैं रेंट पे हूँ, वो उस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ जाती है, एक अजीब सा लगाव हो जाता है उस घर के साथ। और शायद हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं एक अजीब सा लगाव हो जाता है उस घर से। आप लोग भी देखे होंगे कि मुझे तो खैर ये दिमाग में रहता है कि नहीं, ये किराए का घर है तो एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा, लेकिन ये ज्योति का ही प्रॉब्लम नहीं है, हर एक लेडीज़ का, वो कहीं भी रहती है ना, तो उन लोगों के दिमाग में ये नहीं रहता है कि ये
रेंट का मकान है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। वो उसको हमेशा अपने घर जैसा रखती है। ज्योति को भी आप लोग देखे होंगे, हमेशा इधर मंदिर बनाना, इसको अच्छे से हमेशा रोज धोना, साफ सफाई करना। यहाँ देखिए पीछे दीवार पे वो सजाने के लिए बना के लगाई, बहुत सारा मेहनत करती रहती है। यहाँ भी नीचे पूरा मैट वैट लगाई, और दिमाग में एक पल के भी लिए भी नहीं आता है कि नहीं हमको एक ना एक दिन इसको खाली कर देना है। और जब खाली करने की बारी आती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है। उस समय लगता है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं था, ये किसी और का घर था, हम लोग तो केवल इसमें किराएदार थे। उस समय लगता है, और उस समय का जो दर्द होता है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। जो लोग भी रेंट पे रहे होंगे उन लोगों को, वो लोग भी समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स होती है उस समय की। खैर अब क्या कर सकते हैं, अपना तो है नहीं, कोई जबरदस्ती करेंगे। अभी देखिए कल क्या होगा, कल फिर जाना है रूम देखने। और गए ऐसे समय पे ये हो रहा है ना, मैं आप लोगों से अपना कोई दुख शेयर नहीं करना चाहता। हम लोग परेशान रहते हैं ना, तो हम नहीं सोचते कि हमारे साथ साथ आप लोग भी परेशान हो हमारी प्रॉब्लम को सुन के। इसीलिए अधिकतर हम लोग जब प्रॉब्लम होते हैं तो वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि देखिए पहले ऐसा होता था ना, आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट भी आता है कि नहीं आप जब सुख अपना शेयर कर रहे हैं तो दुख भी शेयर कीजिए। और पहले ऐसा होता है ना, देखिए YouTube पे हम लोग आना नहीं चाहते, मेरी ये नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हमें YouTube पे आना है, बट ये ज्योति का ही दिमाग है। ज्योति को ये चीज़ बहुत, हम लोग पैसों के लिए नहीं, पैसा तो एक अलग चीज़ है, वो तो सबको जानता है कि हाँ YouTube पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आप लोग थे, ज्योति के लिए और बाद में मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज्योति को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसकी भी कोई फैमिली हो, उससे कोई मिलने आए, उससे कोई बात करे, उसके सुख या दुख में लोग शामिल हो, तो ये चीज़ उसको बहुत ही अच्छा लगता था। और उसके लिए मैं भी YouTube पे आया, और मुझे भी सब कुछ अच्छा लगने लगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों से बात करना, आप लोगों से मिलना, सब कुछ अच्छा लगने लगा। और दोस्तों ये भी बात मुझे शेयर करने का मन नहीं कर रहा था, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि आगे काफ़ी लोग हैं जिससे हम लोग दिल खोल के शेयर कर सकते हैं कोई भी बात, क्योंकि आपस में हम दो ही लोग हैं, हम और ज्योति। परी को तो देख ही रहे हैं, परी को समझने लायक है नहीं। हम दो ही लोग हैं जो कि आपस में कुछ डिस्कस करें, कुछ बात करें, कोई दुख हो तो आपस में मिलजुल के झेलें। बट आप लोग हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग, सोचा क्या मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं आप लोगों से कभी भी बात शेयर करूं, मैं मुझसे रहा नहीं गया। और मैं रात को ही आप लोगों से बात करता, लेकिन सोचते सोचते अभी सुबह हो गया। तो प्लीज़ आप लोग, हम इस बात को शेयर कर रहे हैं लोग, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग दुखी थोड़ा सा ही मत होइएगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख और दुख आते रहते हैं। अभी कल सुबह जाएंगे रूम देखने के लिए, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, बट मैं मैनेज कर लूँगा कहीं ना कहीं से। कल सुबह जाऊँगा रूम देखने, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। और कोशिश करूँगा कि कल के ब्लॉग में ज्योति रहे, आप लोगों से बात करें। तो कल जो भी होगा वो आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, और देखिए कल क्या होता है, हमें रूम मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत ही प्रॉब्लम से तो ये रूम मिला था, आप लोगों से मैं बताया था, लगभग 20-25 दिन इस रूम के लिए दौड़ा था, तब जाके ये रूम मिला था। और यहाँ हम लोग बहुत ही सुकून से रहते थे लोग, क्योंकि हमें इतने कम, बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं देना था, 2000 रुपये मतलब बहुत ही कम हुआ, क्योंकि इसके बाद शहर है, और शहर में इतना लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। तो हम तो अपने बजट के हिसाब से एक छोटा सा रूम भी मिल जाए तो ले लेंगे, बट मिल जाए देखिए क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों को अगले वीडियो में हम बताएंगे।
गाइस ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। अगली वीडियो में जो भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।